के बाद में राइट टू एजुकेशन उन्नीकृष्णन केस था, मैंने आपको बताया था उन्नीकृष्णन केस में बताया था ना कि राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये आर्टिकल 21 के अंदर था, हो गया हमारे यहाँ सारे नेगेटिव राइट्स ही थे। और आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल, दोबारा बोलो कौन सा आर्टिकल, दोबारा बोलो कौन सा आर्टिकल, वो हमारे कहाँ पे है, डीपीएसपी में, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, कहाँ से, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 एज इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे पॉजिटिव राइट्स हैं, उनमें बहुत सारे राइट्स हैं जो कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट में डालने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसके अंदर एक आर्टिकल था 45, कौन सा आर्टिकल 45, जो कि बच्चों को बोलता था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक, कहां पे बोलता था, आर्टिकल 45 के अंदर। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर आया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ठीक है, 2002 के अंदर, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पर क्या ऐड किया गया है, आर्टिकल 21A ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ये पर्पस ऐड किया गया है 21A, कौन सा आर्टिकल, और उसमें जो वो मैटर था ना 45 वाला, कौन सा मैटर 45, जिसमें था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे लाके डाल दिया गया, कहाँ डाल दिया गया, 21A में डाल दिया गया कि राइट टू एजुकेशन फ्री, और उसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया, आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया, उसमें क्या कर दिया गया कि 0 से लेकर 5 साल के तक के जो बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर डाल दिया गया, वहां पे क्या डाल दिया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर डाल दिया गया उसमें, कि सिटीजन की ड्यूटी है कि बच्चों को वहां अर्ली चाइल्डहुड केयर किया जाए उनके, ठीक है, और सिर्फ इसी में चेंज नहीं किया गया, उसके बाद फिर क्या होगा कि आर्टिकल 51A के अंदर एक और क्लॉज ऐड किया गया के, ठीक है, और जो नया मतलब उसमें 11 आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उन ड्यूटीज में एक और अधिकार ऐड किया गया कि जो पेरेंट है या जो क्या नाम है, मतलब एक और ड्यूटी ऐड की गई कि जो पेरेंट है या जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है ना, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी बातें मतलब आपको ये समझनी पड़ेंगी कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का डिस्कशन शुरू होता है, और उसी में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर जो है वो एजुकेशन को भी ऐड किया जाता है, फिर उन्नीकृष्णन वगैरह केस आता है, उसके अंदर ये बात होती है कि साहब राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी बनाया जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बनाया जाए, जो कि आर्टिकल 45 में था, तो 45 में फंडामेंटल राइट तो है नहीं, डीपीएसपी है, तो फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A डाला गया, जिसमें राइट टू एजुकेशन को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर वो एंट्री कर दी गई, और उसमें क्या बना दिया कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी अमेंडमेंट किए गए कि 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, पहले वहां 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की बात थी, जब यहाँ 6 से 14 21A में आ गया तो आर्टिकल 45 में क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो आंगनबाड़ी वाला खेल होता है ना, आंगनबाड़ी वाले के बच्चों को मतलब वो दिया जाएगा, दलिया वलिया सब दिया जाएगा, तो ये सब चीजें जो है उसमें डीपीएसपी में डाल दी गई उसमें, और 6 से 14 साल को कंपलसरी कर दिया गया, और साथ में क्या किया गया कि आर्टिकल 51A के अंदर क्लॉज के डाला गया, क्या डाला गया, सब क्लॉज के, यानी लास्ट, ठीक है, वो लास्ट जो क्लॉज के, पहले 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, उसमें क्या डाला गया कि अब जो भी पेरेंट या गार्जियन है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे 6 से लेकर 14 साल को, ये कंपलसरी कर दिया, बात समझ में आ गई। तो उसके बाद में एक मतलब इसी परसुएज में कि इसके लिए क्या करना है, आर्टिकल 21 के लिए मैंने बताया कभी भी कोई फंडामेंटल राइट को अगर इंप्लीमेंट करना हो तो ऐसे तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, क्या होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव होते हैं, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो उसको पार्लियामेंट बना सकती है आर्टिकल 35 के तहत, मैंने बताया है कि आर्टिकल 35 के तहत इसको कानून बना सकते हैं, तो कानून फिर इसके आधार पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई गवर्नमेंट की और फंडामेंटल राइट हो गया सिटीजन का, तो जब किसी का राइट होता है, क्लेम होता है, तो सामने वाले की
ड्यूटी होती है किसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन पास किया गया कि सारे बच्चों को इसको सेटिस्फाई करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, सारे बच्चों को, और यहां तक कि इसमें प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कि उनको भी मतलब की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो। ये राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है बहुत सारे नॉर्म्स लाए गए ताकि सोशल जस्टिस हो सके, डेमोक्रेसी को ठीक से प्रैक्टिस किया जा सके। आई होप कि आर्टिकल 21 आपको समझ में आया। अभी हमारी स्लाइड देख लें जरा तो और समझ में आ जाए। आर्टिकल 21 राइट टू 21 ए राइट टू एजुकेशन द स्टेट 21 ए द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी। एक ही लाइन एक ही स्लाइड में देखो कितनी बातें लिख दी है मैंने। द स्टेट शैल प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्या बोला है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14। याद रखिएगा कौन से कितने साल के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। किसने बोला, आर्टिकल 21 ए ने। और इसके लिए दो केसेस ध्यान रखिएगा, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का केस था और उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ एपी 1993 का केस था। इन दोनों केसेस में बोला गया था राइट टू एजुकेशन जो है इसको राइट टू लाइफ के अंदर में आर्टिकल 21 के अंदर डाला जाए। ठीक है, ये केस में कहा था मोहिनी जैन में। रट्टा मार लीजिएगा, इसका केस का नाम लिख दीजिएगा, आपकी किताब में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा मेंस में। क्या लिखेंगे, मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन एक स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 के अंदर राइट टू एजुकेशन को बोला गया है क्या कि राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में डाला जाए। ठीक है, के अंदर में डाला मतलब माना गया। उसके बाद उन्नी कृष्णन केस आता है, ये दोनों केसेस आप रट्टा मार लीजिए, इसको एग्जाम में जरूर लिखिएगा। स्टेट ऑफ यूपी 1993 का केस है, इसमें बोलता है कि आरटीई राइट टू एजुकेशन को इज इंप्लीमेंटेड इंप्लीकेट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 टिल 14 ईयर्स। इसमें भी क्लियर कहा है कि 14 साल राइट टू एजुकेशन जो है, उस समय राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं पास हुआ था, लेकिन एजुकेशन का जो राइट है वो 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी है। क्या है, मतलब राइट टू लाइफ के अंदर आता है, यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो जिंदगी राइट टू लाइफ के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 21। ये किसमें कहा है, 14 साल तक के बच्चों का जिक्र जो किया है वो उन्नी कृष्णन केस में किया है। तो दोनों केसेस मोहिनी जैन एंड उन्नी कृष्णन, इन दोनों केसेस को याद रखेंगे। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखेंगे कि कौन सा अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, कब, 2002 में, जिसमें आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया है। क्या याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना, याद रहेगा, ठीक है। और बोलो एजुकेशन टू ऑल, इसको मनमोहन सिंह जी ने कहा था एजुकेशन टू ऑल जो है ये डाउन है। क्या है, डाउन मतलब सवेरा है, ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन राइट, यानी ये सेकंड रिवॉल्यूशन है। क्या बोला था, सेकंड रिवॉल्यूशन का एक सवेरा है किसमें, सिटीजन राइट में। ठीक है, ठीक है, यानी सिटीजनशिप जो आपका सिटीजन राइट में एक बहुत बड़ी सुबह है, ये सेकेंड बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। क्या है, राइट एजुकेशन टू ऑल, की सबको एजुकेशन मिल सके, जब फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और आर्टिकल 21 ए जो है ये पार्लियामेंट ने ऐड किया, कौन से इसको, इसके फर्दरेंस में जो है पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया, एनेक्ट मतलब लागू कराया या एनेक्ट किया, लागू किया, बनाया, क्या बनाया, राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये पास किया। तो आपको जो याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन में आर्टिकल 21 में डाला गया, फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके बाद में आप बोलेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने यह लाइन कही थी कि ये डाउन है, यानी सुबह है, एक नया रिवॉल्यूशन की सुबह है कि सबको एजुकेशन दिया जाए, और आर्टिकल 21 ए जो है उसमें चिल्ड्रन एक कानून पास किया गया उसके लिए, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, 2009 में पास किया गया। ध्यान रखिए वो किसके फर्दरेंस में पास किया गया, आर्टिकल 21 ए के को इंप्लीमेंट करने के लिए पास किया गया, और इसलिए सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने साल के बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलवाया जाए। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है गवर्नमेंट की, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उन बच्चों का। ठीक है, ओके, नहीं समझ में आई बात, केसेस कौन कौन से मैंने बताए, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, आर्टिकल, देखो ऐसे याद रखो, आर्टिकल 21, ठीक है, 86 उससे पहले, सबसे पहले मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन 92-93 केस, राइट टू लाइफ में बोला फंडा की वो है, फर्दरेंस में 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल 21 ए ऐड कर दिया जाता है राइट टू एजुकेशन,
उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आती है 2009 के अंदर, ठीक है ना। और सारे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। और सब्जेक्ट मैटर में आर्टिकल 45 के चेंज किया जाता है, किसके अंदर में, 45 के अंदर में। अरे 45 में सब्जेक्ट मैटर में चेंज किया जाता है, किसमें चेंज, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, उसी में इसको भी अमेंड किया गया, ठीक है, ओके, लिख दिया है ना। अब 51A का के क्लॉज खोल लो यार, 51A का क्विक क्लॉज, 51A मतलब कौन सा, 51A कैपिटल ए, फंडामेंटल ड्यूटीज, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ही लिखा होगा, हैं? तो पहले 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर 11वीं ऐड की गई कौन से में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो आपने एक चीज देखा कि 86th अमेंडमेंट में मेन मेन तीन चीजें ऐड की गई हैं, क्या, अब बताओ, अब यही सब लिंक कर लोगे बस बात बन जाएगी। तो अपना जहां पे आपने राइट टू एजुकेशन लिखा है उसके ऊपर जगह खाली है, पेंसिल उठाओ, उसमें लिखो आर्टिकल 45 एंड 51A सब्जेक्ट मैटर के कौन से अमेंडमेंट में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लिख लो यार क्या है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आर्टिकल 21A।